अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब तक सबको पता चल गया होगा कि फ्रांस में बेड बग आउटब्रेक हो चुका है, और ये हमारे लिए कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि फ्रांस में जो है वो ओलंपिक होने जा रहा है, तो ओलंपिक होगा तो ज़ाहिर है ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, पूरी दुनिया से लोग आएंगे जाएंगे। तो जैसे कोविड स्प्रेड हुआ था, वैसे भी ये भी स्प्रेड हो सकता है। तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बेड बग्स हैं वो हमारे घर में ना आए। बेड बग्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में कि लोग कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये इतने ख़तरनाक हैं। अगर ये घर में आ जाए ना, तो एक तो ये निकलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है इनको घर से निकालना, और दूसरी बात इनकी वजह से जो इचिंग रिएक्शन होता है ना, वो इतना इंटेंस होता है कि वो आपको एक मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, और बहुत सारे लोगों को स्किन इश्यूज हो सकते हैं। हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एनाफिलैक्सिस हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। उसमें आपका आपका फेस, आपकी टंग स्वेल हो सकती है, और उसमें इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम देखते हैं कि बेड बग्स होते क्या हैं, जिसको हम उर्दू में खटमल कहते हैं। ये एक डार्क येलो, रेड या ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स हैं, और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? बेड फ्रेम्स, फर्नीचर्स, क्लॉथिंग, बस में, डे केयर्स में, हॉस्पिटल्स में, किसी भी जगह ये हो सकते हैं। इसके जो बाइट हैं वो दिखता कैसा है, मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इसके जो बाइट्स हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और ब्राउन स्किन पे ये अलग दिखते हैं। ब्राउन स्किन पे इस तरह से मतलब वाइट रेडिश नहीं दिखेंगे, ये थोड़े पर्पलिश दिखेंगे। अच्छा, इसके बाइट की एक ये भी बात है कि हो सकता है कि ये जब बाइट करें ना, तब आपको सिम्टम्स ना हो और एक दो दिन के बाद हो, ऐसा भी होता है बेड बग्स बाइट में। तो मोस्टली जो लोग होटल्स वगैरह से होकर आते हैं, रहकर आते हैं, तो उनको पहले तो वहाँ पर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं एक दो दिन बाद, तो वहाँ पे उनको इचिंग और रैशेस वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। आपके घर में भी बेड बग्स हो सकते हैं, तो अगर आपको सोने के बाद इस तरह के रेड मार्क्स मिलते हैं बॉडी पर, स्पेशली फेस, नेक एंड आर्म्स, तो हो सकता है कि आपके घर में बेड बग्स हैं। तो हम बेड बग्स को अपने घर में आने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। नंबर वन, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो साइंस होती हैं बेड बग्स की। आपने सोने के बाद देखा रैशेस हैं, या टाइनी ब्लड स्पॉट्स आपको बेड शीट्स के ऊपर मिलेंगे, या ब्राउनिश कलर का कुछ जो फीसेस होता है बेड बग्स का, वो भी आपको बेड शीट्स के ऊपर मिल सकता है। क्योंकि हमें पता है कि अब आउटब्रेक हो सकता है, तो हमें फ्रीक्वेंटली बेड शीट्स चेंज करनी है, पिलो कवर्स वगैरह चेंज करने हैं। अगर आप होटल स्टे करने जा रहे हैं, तो आपने बहुत ही थॉरली अपने होटल रूम को इंस्पेक्ट करना है, देखना है उसके मैट्रेस के अंदर, उसके सोफ़ा वगैरह पे, यहाँ जहाँ पर लगेज रखते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही थॉरली देखना है कि बेड बग्स तो नहीं है। और जब हम वहाँ से वापस आएंगे, तो आपने जो क्लॉथ्स वहाँ पे यूज़ किए हैं वो आप सेपरेटली रखें, और उनको वो आप सेपरेटली पैक कर लें, और उनको सेपरेटली वॉश करना है, और हाई हीट पे वॉश और ड्राई करना है। दूसरा, आपने अपने घर का फर्नीचर चेक करना है, अपने मैट्रेस को किस तरह से चेक करते हैं मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, जो भी क्रैक्स होते हैं मैट्रेस के अंदर, वो आपने वहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर बेड बग्स, क्योंकि अक्सर वहीं पर होते हैं, तो वहाँ पर बेड बग्स तो नहीं है। और अगर आप सेकंड हैंड फर्नीचर बाय करने जा रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसको भी देखना है कि उसके अंदर बेड बग्स तो नहीं है। दूसरा, अपने घर को डीक्लटर करना है, कोई भी अपने बेड के पास या इस सोफ़ा वगैरह के पास इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा मैस नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बेड बग्स वहाँ पर हों। और अगर बेड बग्स आ जाते हैं, तो यूएई वगैरह में तो पेस्ट कंट्रोल होता है, आप खुद नहीं निकाल सकते अगर बेड बग्स हैं,
तो आपने पेस्ट कंट्रोल वालों को कॉल करना है और वो ही आपका आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे क्योंकि ये नहीं निकलने वाले, और हो सकता है कि आपको अपना फर्नीचर वगैरह फेंकना पड़े। तो इससे अच्छा है कि आप पेस्ट कंट्रोल से ही ये करवाएं। और इस वीडियो में मैं अपना नाश्ता बना रही थी, जो कि ज़बरदस्ती आप लोगों को देखना पड़ गया है। ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ओट्स। आई थिंक मैंने तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो इतनी ही थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।